फ्रेंड्स, ये सुखदेव तनेजा चैनल है और इस वीडियो में हम जो है अपना फाइनल रिव्यू देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास मिल्टन ब्रांड का थर्मोस्टील सीरीज़ का आप कह सकते हैं सूप फ्लास्क। तो फ्रेंड्स, आपको ये दो कैपेसिटी में मिल जाएगा, एक 500 ml और एक 350 ml। और इवन अब तो इसमें नया डिज़ाइन भी आ गया है। इसकी एक्चुअल में MRP अगर आप देखेंगे तो अराउंड 700 किसके आसपास है, 700 रुपए कह सकते हैं। बट आपको ये ऑनलाइन अमेज़ॉन पर जो है सिर्फ 650 का ये मिल रहा है। और इसमें एक और नई बात है कि अब जो है इसमें एक नया डिज़ाइन आप कह सकते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि ये सूप फ्लास्क की तरह है कि नहीं, बट थोड़ा सा ये उससे मिलता जुलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है सबसे पहले जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं हॉट और कोल्ड दोनों के लिए। फ्रेंड्स, हमारे पास मिल्टन ब्रांड के सारे मतलब कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि उनका स्टेनलेस स्टील का जो कह सकते हैं बोतल, या उनका टी के लिए जो है आपका वो आता है फ्लास्क, और इवन इनका 10 लीटर का हमने जग भी ले रखा है। और आप हमें कह सकते हैं कि हम मिल्टन ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही पसंद करते हैं, और इवन इन्होंने एक एयर टाइट जार भी निकाला है जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या फ़ायदा है इस फ्लास्क का? तो फ्रेंड्स, हमने जो है इसको यूज़ किया है सूप के लिए भी और इवन चाय के लिए भी, इवन आप दूध भी रख सकते हैं। इसमें जो फ़ायदा ये है कि इसमें जो है चाय में किसी प्रकार की स्मेल नहीं पड़ती। इवन हम दूसरे हमारे पास जो बोतल है या आप कह सकते हैं फ्लास्क है, उसमें चाय डालते हैं और 3-4 घंटे में हम चाय निकालते हैं, गर्म तो आती है चाय, बट उसमें कुछ अजीब सी स्मेल पड़ जाती है। बट इसमें एयर टाइट होने के कारण या थोड़ा चौड़ा मुँह होने के कारण 8-8 घंटे रखने के बावजूद भी चाय हमें गर्म भी मिलती है और कोई स्मेल नहीं होती। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इसको हम प्रॉपरली साफ कर सकते हैं, धो सकते हैं, और इसको हम 6 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट जो है मिल्टन का हमें सबसे बेस्ट लगा और हम इसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। इसको लेने के बाद हमने मिल्टन का जो चाय फ्लास्क है वो हम उसको यूज़ ही नहीं करते। तो अब जो हम इसके आपको बताएं इसकी क्या बेनिफिट है, क्या इसमें है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है वैक्यूम इंसुलेशन है जिससे हॉट और कोल्ड ज़्यादा देर तक उसी स्थिति में रहता है फॉर द लॉन्ग हावर। और इसमें जो है आप सूप और जूस दोनों डाल सकते हैं। और इसमें एक वार्निंग है कि भाई इसमें आपने किसी प्रकार की सॉफ्ट ड्रिंक नहीं डालनी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं डालनी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स खास तौर पर वो नहीं डालनी। और इसमें एक और प्रिकॉशन बताई गई है कि इसको आपने कैसे साफ करना है। तो फ्रेंड्स, मिल्टन हो या सेल्लो हो या कोई और ब्रांड के आपके पास थर्मोस्टील हो, तो उसमें आपने मिल्ड वॉशिंग पाउडर डालना है और ब्रश से आप इसको साफ कर सकते हैं सॉफ्टली। किसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग ब्लीच या क्लीनर आपने नहीं डालना जिसमें क्लोरीन हो। और इसमें एक और बात है कि आप जब इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप इसको खोल कर आप रखें। अब जो हम आपको दिखाते हैं इसकी क्या क्वालिटी है। तो ये देखिए, ये इसका लिड है, एयर टाइट है, और देखिए आप 6 मंथ से वो ऊपर हो गया, और इसकी परफॉर्मेंस में किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आई है, कोई कमी नहीं आई है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जैसे अभी हमने इसको धो भी रखा है, और काफ़ी मजबूत स्टील है इसका, काफ़ी हार्ड स्टील कह सकते हैं। और ये नीचे इसका ये है, इसका ये कवर जो है आपका हटेगा नहीं। और इवन जैसे कई लोग कहते हैं कि सेल्लो और मिल्टन कौन सा बेहतर इनका प्रोडक्ट है, तो फ्रेंड्स, सेल्लो का तो हमने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रखा, बट हमारा मानना है कि मिल्टन के जो भी जग है या थर्मो स्टील जहाँ पर लिखा आता है, इनके स्टेनलेस स्टील के जो फ्लास्क हैं वो काफ़ी बेहतर हैं दूसरे ब्रांड से। पर प्राइस वाइज देखेंगे
तो ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, 100-200 रुपये इनका प्राइस ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स ये था ऑल अबाउट, और आप इस प्रोडक्ट को, हाँ वैसे ये बाज़ार में आपको 500-550 के बीच आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स ये आप ऑनलाइन अमेजोन पर 640 में खरीद सकते हैं। तो ये हम आपको दिखाते हैं, शायद ये खुल नहीं रहा, इसमें नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, तो हम दूसरे में अगर आपको ये दिखाएं, इनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है मिल्टन ब्रांड की, और अगर आप रेटिंग देखेंगे तो 4-स्टार रेटिंग है जो कि परचेज करने के बाद मिलती है। तो ये था फ्रेंड्स, बहुत ही आप कह सकते हैं कि अगर आप चाय स्टोर करने के लिए कोई लेना चाहते हैं फ्लास्क वगैरह, तो उससे कई गुना बेहतर आपको सूप फ्लास्क है, क्योंकि इसमें स्मेल नहीं पड़ती चाय में, क्योंकि बाकियों में थोड़ी स्मेल पड़ जाती है और फिर आप उसको चाह कर भी धो नहीं सकते। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, धन्यवाद।